एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, नॉकिंग इन आईसी इंजन। नॉकिंग को समझने से पहले कुछ टर्म को हम समझ लेते हैं, जैसे आईसी क्या है, आईसी इंजन क्या है, उसके बाद हम नॉकिंग वर्ड को समझेंगे। सबसे पहला है जो टर्मिनोलॉजी है आईसी। आईसी का मतलब है इंटरनल कंबशन। हिंदी में इसका मतलब है आंतरिक दहन। अब जो नेक्स्ट जो डेफिनेशन है आईसी इंजन, इस वर्ड से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर जो फ्यूल का कंबशन है किसके अंदर होता है, इंजन के अंदर होता है, उसे हम कहते हैं इंटरनल कंबशन इंजन। नाउ टाइप्स ऑफ आईसी इंजन, देयर आर टू टाइप ऑफ आईसी इंजन। फर्स्ट एसआई इंजन और सेकंड है सीआई इंजन। तो आईसी इंजन कितने टाइप के हो गए, दो टाइप के हो गए। एसआई इंजन और दूसरा है सीआई इंजन। एसआई इंजन को हम स्पार्क इग्निशन इंजन कहते हैं और सीआई इंजन को कंप्रेशन इग्निशन इंजन कहते हैं। अब इसका जो डेफिनेशन है, एसआई इंजन है क्या और सीआई इंजन है क्या। सबसे पहले हम एसआई इंजन को लेते हैं कि एसआई इंजन है क्या है। ऐसा कंबशन इंजन जिसमें फ्यूल और एयर मिक्सचर स्पार्क के द्वारा जलते हैं, उसे हम कहते हैं स्पार्क इग्निशन इंजन या हम कहें एसआई इंजन। और अदर फॉर्म में बोले तो हम ये कह सकते हैं कि जब फ्यूल और एयर का कंबशन स्टार्ट होता है स्पार्किंग के थ्रू, ऐसे इंजन को हम कहते हैं एसआई इंजन। एसआई इंजन में जनरली जो फ्यूल काम में लिया जाता है वो कौन सा काम में लिया जाता है, पेट्रोल और गैसोलीन, या हम कहें इसको हम पेट्रोल इंजन के फॉर्म में भी हम क्या करते हैं, जानते हैं। सेकंड इंजन है सीआई इंजन, कंप्रेशन इग्निशन इंजन। यहाँ पर फ्यूल और फ्यूल का जो कंबशन स्टार्ट होता है, जब हम एयर को इतना कंप्रेस कर देते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर हाई हो जाता है, और हम क्या करते हैं जब फ्यूल वेपर को जब इंजेक्ट करते हैं सिलेंडर के अंदर, तो फ्यूल क्या होता है, इग्नाइट हो जाता है, उसे हम कहते हैं कंप्रेशन इग्निशन इंजन। यहाँ पर मेनली हम जो फ्यूल काम में लेते हैं वो कौन सा है, डीजल है। इसे हम सीआई इंजन को हम डीजल इंजन के फॉर्म में भी हम क्या करते हैं, जानते हैं। सेकंड टर्म है नॉकिंग। नॉकिंग को हम थ्योरेटिकल वे में समझ लेते हैं और उसके बाद और इजी तरीके से समझते हैं कि नॉकिंग क्या है। नॉकिंग इज शार्प मेटेलिक साउंड सिमिलर टू रैटलिंग ऑफ हैमर इन आईसी इंजन ड्यू टू इम्प्रॉपर कंबशन ऑफ फ्यूल और एयर मिक्सचर। इसका मतलब ये है कि नॉकिंग एक टाइप का मेटेलिक साउंड है जो किसके सिमिलर है, हथौड़े गिरने जैसे सिमिलर है। ये क्यों होता है, क्योंकि जब कंबशन दहन अभिक्रिया है जब वो इम्प्रॉपर हो जाती है तो नॉकिंग फिनोमिना क्या होता है, आईसी इंजन में होता है। ये तो आपका होता है नॉकिंग। नॉकिंग का और सिंपल तरीके से हम समझ लेते हैं, ये क्या है, मैंने क्या किया, इसका मतलब क्या है, नॉक है
नॉक को हम लिख सकते हैं नॉइस। नॉइस का मतलब क्या हो गया? आवाज है। आवाज कहाँ होती है? आईसी इंजन में होती है। वो किसके सिमिलर है? मेटेलिक साउंड जो होता है उसे ही हम कहते हैं नॉकिंग कहते हैं। और ये जो नॉकिंग क्यों होता है? क्योंकि जब कम्बशन इम्प्रॉपर या हम कहें प्रॉपर नहीं होता है फ्यूल और एयर मिक्सचर का, उसे हम कहते हैं नॉकिंग। नॉकिंग को और अदर तरीके से हम एक्सप्लेन करते हैं कि ये क्या है। इम्प्रॉपर कम्बशन इन आईसी इंजन, दैट इज कॉल्ड नॉकिंग। नॉकिंग इन पेट्रोल इंजन या हम कहें नॉकिंग इन एसआई इंजन। आज का अपना वीडियो लेक्चर इसी पर है। नॉकिंग को समझने से पहले, जो एसआई इंजन में नॉकिंग हो रहा है उसको समझने से पहले, सबसे पहले हम पेट्रोल इंजन का वर्किंग समझेंगे, जिसमें भी आपका वो फोर स्ट्रोक इंजन को हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब इसका जो मैकेनिज्म है, पेट्रोल इंजन का जो वर्किंग मैकेनिज्म है, किन किन पार्ट पर है। मैकेनिज्म का मतलब है कि फ्यूल एयर मिक्सचर कैसे इग्नाइट होता है और इग्नाइट होने के बाद जो कम्बशन होता है तो उसमें कितने स्ट्रोक होते हैं। तो यहाँ पर ये फोर स्ट्रोक इंजन में कितने स्ट्रोक हो गए? चार स्ट्रोक हो गए। फर्स्ट सक्शन स्ट्रोक, सेकंड कंप्रेशन स्ट्रोक, थर्ड पावर स्ट्रोक और फोर्थ है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। नाउ सक्शन स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है कि सक्शन का मतलब है सक करना, खींचना है। जैसे हम पेट में कोई सॉल्यूशन सक करते हैं, खींचते हैं, ठीक उसी टाइप से कार्बोरेटर से फ्यूल और एयर मिक्सचर किसमें फिल होता है? सिलेंडर में फिल होता है। जब सिलेंडर में फ्यूल और एयर मिक्सचर सक होता है तो सबसे पहले क्या होता है? इनटेक वाल्व ओपन होगा। फ्यूल और एयर मिक्सचर सिलेंडर में क्या होगा? एंटर होगा। किसके थ्रू? कार्बोरेटर के थ्रू एंटर होगा। जब कार्बोरेटर के थ्रू एंटर होगा तो ये क्या होगा? पिस्टन पर क्या होगा? प्रेशर डेवलप होगा और पिस्टन क्या होगा? नीचे की तरफ आएगा। तो ये तो आपका होता है सक्शन स्ट्रोक। फ्लो डायग्राम के थ्रू भी मैंने बता रखा है। फ्यूल एंड एयर मिक्सचर ड्रोन फ्रॉम कार्बोरेटर इनटू सिलेंडर। अब इस कंडीशन में क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज होगा और जो पिस्टन किस तरफ मूव करेगा? नीचे की तरफ मूव करेगा। सक्शन स्ट्रोक को समझने के बाद नेक्स्ट हम समझते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन को सिंपल वर्ड में समझते हैं। कंप्रेशन का मतलब है उसको हम क्या कर रहे हैं? दबा रहे हैं। तो यही स्ट्रोक कहलाता है कंप्रेशन स्ट्रोक। अब हम इसको समझ लेते हैं। जब फ्यूल और एयर मिक्सचर सक्शन स्ट्रोक में जब सक हो जाता है, कंप्लीटली सक हो जाता है, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रोक आता है वो कहलाता है कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है? पिस्टन की जो पोजीशन है मूव करती है, ऊपर की तरफ मूव करती है। इतना मूव करता है कि वो अपर डेड लाइन तक आ जाता है और स्पार्किंग से पहले फ्यूल और एयर का मिक्सचर क्या हो जाता है? वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है। उसे ही हम कहते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक में एक बात यह है कि पिस्टन ऊपर की तरफ आता है, वॉल की पोजीशन सिमिलर रहती है, ना तो कोई ऊपर है ना कोई नीचे है, और यहाँ पर फ्यूल और एयर मिक्सचर को क्या किया जाता है? कंप्रेस किया जाता है। यही होता है आपका कंप्रेशन स्ट्रोक। नेक्स्ट है पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक में फ्यूल और एयर को इग्नाइट किया जाता है इलेक्ट्रिक स्पार्क के थ्रू, या हम कहें स्पार्क प्लग के थ्रू हम क्या करते हैं? उसको इग्नाइट करते हैं। जब फ्यूल और एयर मिक्सचर को इतना कंप्रेस किया जाता है, तो जब ये इतना कंप्रेस होता है तो क्या होता है? स्पार्क प्लग के जैसे ही कांटेक्ट में आता है तो यहाँ पर क्या होता है? स्पार्किंग होती है। स्पार्क होने की वजह से फ्यूल और एयर मिक्सचर क्या होगा? इग्नाइट होगा। इग्नाइट होने की वजह से इसमें क्या होगा? कंबशन स्टार्ट होगा। ये जब तक कंबशन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक ये पिस्टन का मूवमेंट क्या है? नीचे की तरफ होता है। नीचे की तरफ क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? गैसेस प्रोड्यूस होती है, उसके अपने प्रेशर से क्या होता है? पिस्टन नीचे की तरफ मूव होता है। तो यहाँ पर क्या होता है पावर स्ट्रोक में? एक तो स्पार्किंग होता है, फिर फ्यूल और एयर मिक्सचर में स्पार्किंग की वजह से कंबशन होता है,
और जब कम्बशन स्टार्ट होता है तो गैसेस प्रोड्यूस होती है, और गैसेस का जो प्रेशर की वजह से पिस्टन क्या होता है, नीचे की तरफ मूव करता है, यही होता है पावर स्ट्रोक। लास्ट स्ट्रोक है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में यह आता है कि कम्बशन क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है, और कम्बशन जब कंप्लीट हो जाता है तो जितने भी गैसेस है वो क्या होती है, सिलेंडर से बाहर निकलती है, और जब सिलेंडर से बाहर निकलती है तो क्या होता है, एग्जिट वॉल्व क्या होता है, नीचे की तरफ आएगा, और जितनी भी गैसेस है वो सिलेंडर से क्या होती है, बाहर निकल जाएगी। अब इसमें जो पिस्टन का मूवमेंट है किसकी तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा। जब कम्बशन कंप्लीट हो जाता है तो गैसेस है वो क्या होती है, ऊपर की तरफ उठती है। ऊपर की तरफ उठती है तो पिस्टन क्या होगा, ऊपर की तरफ मूव होगा, और जितनी भी जो गैसेस है वो क्या होगी, एग्जिट वॉल्व जैसे ही नीचे आया तो ये गैसेस क्या हो जाएंगी, बाहर की तरफ आ जाएगी। पेट्रोल इंजन या एसआई इंजन को हमने थ्योरेटिकल वे में समझा कि इसमें चार स्ट्रोक होते हैं, सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक, और लास्ट है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। अब हम इसे एसआई इंजन का जो वर्किंग है एनिमेशन के थ्रू भी समझ लेते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। जो नॉर्मल जो स्ट्रोक होते हैं या हम कहें नॉर्मल जो फ्यूल और एयर का कंबशन कैसे होता है, हम उसको समझ लेते हैं। सक्शन स्ट्रोक सबसे पहले क्या होता है, फ्यूल और एयर मिक्सचर सिलेंडर में क्या होता है, सक होता है, और पिस्टन क्या होता है, नीचे की तरफ आता है, और ये इतना पिस्टन नीचे की तरफ आता है कि इसकी डेड बॉटम लाइन तक पिस्टन का मूवमेंट होता रहता है। नेक्स्ट स्ट्रोक है कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक में फ्यूल और एयर मिक्सचर को कंप्रेस किया जाता है और पिस्टन क्या होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है, मूव करता है। यहाँ पर फ्यूल और एयर जो मिक्सचर है उसको इतना कंप्रेस कर दिया जाता है कि स्पार्किंग से पहले क्या होता है कि उसका वॉल्यूम रिड्यूस कर दिया जाता है। अब वॉल्यूम जब इतना रिड्यूस हो जाता है तो क्या होता है, स्पार्क प्लग के कॉन्टेक्ट में आता है। जब फ्यूल और एयर मिक्सचर स्पार्क प्लग के कॉन्टेक्ट में होगा तो जैसे ही वो क्या होगा, स्पार्किंग होगी। स्पार्किंग होने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, कंबशन स्टार्ट होगा। जब कंबशन स्टार्ट होगा तो क्या होता है, गैसेस बनती है। ये जो गैसेस है पिस्टन पर एक प्रेशर एग्जर्ट कर देती है, और पिस्टन क्या होता है, नीचे की तरफ आएगा। जब नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ पर क्या है, ये पिस्टन तब तक नीचे की तरफ आता है जब तक कि कंबशन कंप्लीट नहीं हो जाता है। जैसे ही कंबशन कंप्लीट होता है तो गैसेस क्या होती है, लाइट होती है, ऊपर की तरफ मूव करेगी। जब ऊपर की तरफ मूव करेगी तो एग्जॉस्ट वॉल्व या एग्जिट वॉल्व क्या होता है, नीचे की तरफ आएगा, और जितनी भी गैसेस है वो क्या हो जाती है, सिलेंडर से बाहर निकल जाती है। यही इसका है फोर स्ट्रोक इंजन का वर्किंग। ये तो होता है नॉर्मल कंबशन। नॉर्मल कंबशन में क्या होता है, फ्यूल और एयर मिक्सचर स्पार्क प्लग से इग्नाइट होकर कंबशन स्टार्ट करते हैं, और कंबशन सिलेंडर में ये जो कंबशन रिएक्शन सिलेंडर के अंदर होती है यूनिफॉर्म होती है, और जो गैसेस होती है वो भी यूनिफॉर्मली स्प्रेड होती है, और ये वापस सिलेंडर से क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। ये तो इसका होता है नॉर्मल फंक्शन, कैसे फोर स्ट्रोक इंजन नॉर्मली वर्क करता है कि फ्यूल और एयर मिक्सचर का कंप्लीट कंबशन, और उसके बाद जो गैसेस है एग्जॉस्ट वॉल्व जब नीचे आ जाता है तो वो बाहर की तरफ निकल जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले है कि फ्यूल इंजन का हम या पेट्रोल इंजन की जो वर्किंग है उसको समझने के लिए हम सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे, कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, द रेशियो ऑफ गैसियस वॉल्यूम इन सिलेंडर एट द एंड ऑफ द सक्शन स्ट्रोक to the volume at the end of compression stroke of the piston is called compression stroke. Compression ratio को हम short में CR कहते हैं। CR का मतलब क्या हो गया, compression ratio। इसका जो formula है CR equals to volume of gas at the end of suction stroke divided by volume of the gas at the end of compression stroke। इसका मतलब है suction stroke divided by कंप्रेशन स्ट्रोक, कितना वॉल्यूम सक हुआ और कितना वॉल्यूम कंप्रेस हुआ। जब हम इन दोनों का जब रेशियो है वही कहलाता है आपका कंप्रेशन रेशियो। इंजन की एफिशिएंसी डिपेंड करती है किस पर, कंप्रेशन रेशियो पर डिपेंड करती है। इसका मतलब है कंप्रेशन रेशियो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन। इसको हम और
ग्राफिकल वे में समझ लेते हैं, एक्स एक्सिस पर क्या है कंप्लीशन रेशियो और वाई एक्सिस पर क्या है एफिशिएंसी ऑफ इंजन। यहां पर है कंप्रेशन रेशियो, जैसे जैसे इंक्रीज होता है वैसे वैसे एफिशिएंसी ऑफ इंजन विल आल्सो बी इंक्रीज। सीआर रेशियो पर डिपेंड करता है, हायर कंप्रेशन रेशियो होने पर क्या होता है इंजन की एफिशिएंसी भी क्या होती है हायर होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कंप्रेशन रेशियो जैसे जैसे बढ़ाते रहेंगे और एफिशिएंसी जो इंजन की एफिशिएंसी है वो भी इंक्रीज होती रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है, केवल एक सर्टन लिमिट तक ही इंजन की एफिशिएंसी क्या होगी सीआर रेशियो बढ़ने के साथ साथ बढ़ेगी, लेकिन उसके बाद उसकी एफिशिएंसी डिक्रीज होगी। वो कैसे डिक्रीज होगी वो हम इसको डिस्कस करते हैं, यही हमारा नॉकिंग का पॉइंट है। एसआई इंजन और पेट्रोल इंजन में नॉकिंग दो टाइप से होती है, पहला प्री इग्निशन और दूसरा है सेल्फ इग्निशन या ऑटो इग्नाइट। सबसे पहले हम प्री इग्निशन को डिस्कस करेंगे। हमने कंप्रेशन रेशियो में डिस्कस किया कि फ्यूल या इंजन की एफिशिएंसी कंप्रेशन रेशियो पर डिपेंड करती है, केवल एक सर्टन पॉइंट तक या हम कहें सर्टन लिमिट तक ही सीआर रेशियो बढ़ने के साथ साथ फ्यूल की एफिशिएंसी क्या होती है इंक्रीज होती है। लेकिन जब कंप्रेशन रेशियो लगातार इंक्रीज हो जाता है तो क्या फिनोमिना हो सकता है, जब लगातार अपनी जब कंप्रेशन रेशियो लगातार इंक्रीज होता है और अपनी सर्टन लिमिट से भी क्रॉस कर देता है तो यहाँ पर क्या होता है नॉकिंग फिनोमिना होता है। नॉकिंग फिनोमिना कैसे होता है, यहाँ पर सक्शन स्ट्रोक डिवाइडेड बाय कंप्रेशन स्ट्रोक, सक्शन बहुत ज्यादा होगा कंप्रेशन फास्ट होगा, तो यहाँ पर होगा पिस्टन का मूवमेंट बहुत ज्यादा होने की वजह से सिलेंडर का जो लोकल टेम्परेचर है इंक्रीज होगा और यहाँ पर जो फ्यूल और एयर मिक्सचर है उसके इग्निशन पॉइंट पर आने से पहले ही वो क्या होगा इग्नाइट हो जाता है, उसे हम कहते हैं प्री इग्निशन। जब प्री इग्नाइट हो जाता है फ्यूल और एयर मिक्सचर तो क्या होगा कंबशन स्टार्ट होगा, कंबशन स्टार्ट होने की वजह से क्या होगा कि उसमें जो गैसेस प्रोड्यूस हुए हैं वो पिस्टन को क्या करेगा नीचे की तरफ पुश करेगा, सिलेंडर की वॉल पर हिट करेगा और एक टाइप का साउंड होगा, उसे हम कहते हैं नॉकिंग। नॉकिंग को हमने इसके डायग्राम के थ्रू भी समझ लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, ये क्या है सिलेंडर है, सिलेंडर में पिस्टन है, अब कंप्रेशन सक हुआ और फ्यूल और एयर मिक्सचर क्या होगा कंप्रेस हुआ, कंप्रेशन रेशियो बहुत ज्यादा है, तब उस कंडीशन में स्पार्क प्लग पर आने से पहले ही ये क्या होगा फ्यूल और एयर मिक्सचर इग्नाइट हो गया, क्योंकि इसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से बहुत ज्यादा होने की वजह से ही स्पार्क प्लग के कांटेक्ट में आने से पहले ही वो क्या हो जाता है स्पार्क हो जाता है। स्पार्क होने की वजह से यहाँ पर जो प्रेशर है वो क्या होगा गैसेस का प्रेशर है वो क्या होगा नीचे की तरफ एग्जर्ट होगा, जिसकी वजह से एक साउंड डेवलप होगी, उसे हम कहते हैं नॉकिंग। प्री इग्निशन को हम एनिमेशन के थ्रू भी समझ लेते हैं कि प्री इग्निशन होता क्या है। तो यहाँ पर है जब सीआर या हम कहें कंप्रेशन रेशियो बहुत ज्यादा हो जाता है एक अपनी सर्टन लिमिट को पार कर देता है तो फ्यूल और एयर का मिक्सचर है गर्म होता है, गर्म होने की वजह से उसका टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाता है तो उसका सेल्फ इग्नाइट टेम्परेचर से भी ज्यादा होने की वजह से वो क्या होगा कि स्पार्क प्लग के कॉन्टेक्ट में आने से पहले ही वो क्या होगा स्पार्क हो जाएगा और इस टाइप से जो गैसेस डेवलप हुई है गैसेस प्रोड्यूस हुई है कंबशन के ड्यूरेशन पे तो ये क्या होगा पिस्टन कि या हम कहें सिलेंडर की वॉल पर हिट करेगा और क्या होगा नॉकिंग, एक टाइप का मेटेलिक साउंड आएगा जिसे हम कहते हैं नॉकिंग। नेक्स्ट है सेल्फ इग्निशन। सेल्फ इग्निशन की वजह से भी क्या होता है नॉकिंग फिनोमिना होता है, वो कैसे होता है यहाँ पर जो फोर स्ट्रोक इंजन का जो वर्किंग है नॉर्मल तरीके से होता है, सक्शन स्ट्रोक कंप्रेशन स्ट्रोक, जब पावर स्ट्रोक में जब आता है जब फ्यूल और एयर मिक्सचर इतना कंप्रेस हो जाता है जैसे ही स्पार्क प्लग के कांटेक्ट में आता है तो वो क्या होता है स्पार्किंग होता है। स्पार्क होने की वजह से इसमें क्या होगा प्रेशर डेवलप होगा, प्रेशर कैसे डेवलप होगा क्योंकि फ्यूल और एयर मिक्सचर का क्या होगा कंबशन होगा, कंबशन होने की वजह से गैसेस बनेगी और ये जो प्रेशर है नीचे की तरफ
एग्जर्ट होगा, लेकिन जो फ्यूल और एयर जो मिक्सचर है, जो अनबर्न पार्ट है, वो क्या होता है, उसका जब टेल ऑटोमेटिक सेल्फ इग्नाइट हो जाता है, तब उस कंडीशन में क्या होता है, ये भी क्या करता है, एक टाइप का प्रेशर डेवलप करेगा, जिस पार्ट में उसने इग्नाइट किया है उस डायरेक्शन में प्रेशर एग्जर्ट करेगा। इस टाइप से क्या होगा कि जब गैसेस अनकंट्रोल वे में जब कंबशन शुरू हो जाता है, तो ये क्या होगा, ये जो गैसेस है उसकी वजह से क्या होता है कि सिलेंडर की वॉल पर ये गैसेस हिट करेगी, पिस्टन पर हिट करेगी, इसकी वजह से इस टाइप से एक लार्ज साउंड क्रिएट होता है, या हम कहें जब बहुत अनकंट्रोल वे में कंबशन होता है तो गैसेस प्रोड्यूस हो जाती है, पावर स्टॉक में ही प्रोड्यूस हो जाती है, और ये क्या करता है, फिर पिस्टन को क्या करेगा, डैमेज करेगा, इसे ही हम कहते हैं नॉकिंग कहते हैं। नाउ समरी ऑफ नॉकिंग इन एसआई इंजन, नॉकिंग का जो डेफिनेशन है क्या है, नॉकिंग इज अ शार्प मेटेलिक साउंड ड्यू टू रैटलिंग ऑफ हैमर इन सिलेंडर ड्यू टू इम्प्रॉपर बर्निंग या कंबशन ऑफ फ्यूल और एयर मिक्सचर इज कॉल्ड नॉकिंग। नॉकिंग आर टू टाइप, फर्स्ट प्री इग्निशन और दूसरा है सेल्फ इग्निशन। प्री इग्निशन में यहाँ पर जब कंप्रेशन रेशियो एक अपनी सर्टन लिमिट को क्रॉस कर जाता है, तो फ्यूल और एयर मिक्सचर इतना गर्म हो जाते हैं कि वो इग्निशन टेम्परेचर आने से पहले ही वो क्या होता है, इग्नाइट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, नॉकिंग होता है। और दूसरा है सेल्फ इग्निशन, यहाँ पर जो वर्किंग है फोर स्ट्रोक इंजन की जो वर्किंग है प्रॉपर तरीके से होती है, जैसे ही फ्यूल और एयर मिक्सचर स्पार्क प्लग के कांटेक्ट में आते हैं स्पार्क होता है, स्पार्क होने की वजह से कंबशन होता है, लेकिन फ्यूल और एयर का अनबर्न पार्ट जब सेल्फ इग्नाइट हो जाता है, तब क्या होता है, अनकंट्रोल वे में कंबशन स्टार्ट होता है, गैसेस प्रोड्यूस होती है, और गैसेस वो क्या होता है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट होगी और प्रेशर एग्जर्ट करेगा, प्रेशर एग्जर्ट करने की वजह से एक साउंड डेवलप होता है, उसे हम कहते हैं नॉकिंग। और साथ में हमने ये भी पढ़ा था कि कैसे फोर स्ट्रोक इंजन वर्क करता है, सबसे पहले कौन सा स्ट्रोक है, सक्शन स्ट्रोक, सेकेंड है कंप्रेशन स्ट्रोक, थर्ड पावर स्ट्रोक और फोर्थ है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। थैंक यू गाइस। आप मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन जाकर देखें, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट लिंक, वाटर केमिस्ट्री का लिंक, फ्यूल एंड कंबशन का लिंक, क्लास 11th सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एनडीए का लिंक दे रखा है, साथ में इंस्टाग्राम पेज का लिंक भी दे रखा है, उसको जाकर देखें। आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब।